उमेश जाधव शार्दुल ठाकुररा बल हाते छंदे थाकले गोटा आईपीएल होतो जागाउटे बसे काटाते होतो ताके किन्तु भारतीय दलेर पेसारदेर व्यर्थता कलकाता नाइट राइडार्सेर प्रथम एकादशेर दरजा आचमकाई खुले देय तार सामने सुजोगे सदव्यवहार करेछेन हर्षित राणा तीन मैचे चार विकेट निये तिनी एखन नाइटदेर पेस ब्याटारेर प्रधान मुख पंजाब किंग्स के तार गतिर आगुने छारखार करेछेन राजस्थान रॉयल्सेर बिरुद्धे मैचेर आगे आत्मविश्वासे टकबक करछेन नाइटदेर नतून आविष्कार एबीपी लाइव के देवा एकांत साक्षात्कारे दिल्ली डानहाती पेसर जानिएछेन दीर्घ अपेक्षार पर जखन एबारेर आईपीएल प्रथम एकादशे सुजोग पेयेछिलेन ठीकई करे नियेछिलेन पावर प्लेते विकेट तुलते हबे मेन गोल मेरा यही था कि जैसे शुरू एक एज अ टीम अगर देखा जाए तो अगर आप बॉलिंग स्टार्ट करते हो तो पावर प्ले में विकेट्स लेना बहुत जरूरी रहता है तो मैं जितना भी काम अपने कोचेस के साथ कर रहा था तो मतलब काम वो मुझे इसी चीज़ पे करा रहे थे कि तुझे बस इस चीज़ पे फोकस करना है कि तुझे काम बोल डालनी और तुझे किसी भी चीज़ बारे में नहीं सोचना जैसे भैया राणा भैया भी मुझे हमेशा बताते रहते हैं वो फील्ड पे हमेशा मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं कि देखो बस जो बताया जाए तुझे वो करना है ज़्यादा तुझे कुछ सोचना नहीं है तो मेन हमारा एम मतलब मेरा भी एक एम ऐसा था कि अगर मेरे को खेलने का चांस मिलता है तो मैं पावर प्ले में विकेट्स लेने की बहुत कोशिश करूंगा क्योंकि उससे एक टीम को स्टार्ट बहुत अच्छा मिलता है केकेआर এর কাছে এখন সব ম্যাচই মরণ বাঁচন এই প্রাণান্তকর চাপের সামনে কি কেঁপে যাওয়ার ভয় হয় अगर देखा जाए तो हम जब मैंने मतलब मैं प्लेइंग 11 में आया था तो उस टाइम पे भी हमें 6 में से 6 जीतने थे और तब भी बाद में भी एक ऐसे ही चलता रहा था कि हमें हर मैच जीतना था तो मैच प्रिपरेशन या फिर मतलब कुछ भी कह लो तो उसमें हमेशा ऐसा रहता है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूं क्योंकि एज अ प्लेयर अगर हर प्लेयर ये सोचेगा कि अपना बेस्ट देना है तो टीम के लिए ऑब्वियसली अच्छा होगा तो टीम को जीतने के लिए मदद मिलेगी तो हमेशा ये रहता है कि मैं एक अच्छा स्टार्ट दूं टीम को तो बस यही वो रहता है বৈভব অরোরার সঙ্গে হর্ষিত রানার বোলিং জুটি নাইট শিবিরের ভরসা হয়ে উঠেছে হর্ষিত বলছেন হাম দোনো হমেশা মতলব সাথ মে বোলিং করতে হ্যায় তো মতলব হাম দোনো কি ডিফারেন্ট স্কিল সেটস হ্যায় কি ও বল মুভ আচ্ছা করতা হ্যায় মে থোড়া হিট দ্য ডেক বোলার হুম মে অলগ থোড়া তেজ ডালতা হুম ও থোড়া সুইং উসকা আচ্ছা উসকা ন্যাচুরাল সুইং হ্যায় ও আচ্ছি বোলিং করতা হ্যায় তো मेनली हमारा यही रहता है कि दोनों तरफ से एक पार्टनरशिप में बॉलिंग करें कि अगर ऐसा नहीं है कि रन तो किसी को भी लग सकता है कि अगर उसको लग रहे हैं तो मैं इधर से ये रखूं कि हाँ मैं जितने कम रन दे सकूं या फिर मतलब विकेट निकाल सकूं तो उसका फ़ायदा मिलेगा तो हम दोनों अक्सर मैच शुरू होने से पहले एक बात ज़रूर करते हैं कि हम दोनों चाहे दो ओवर डाले पावर प्ले में चाहे एक ओवर डाले दोनों बट हमें ये होता है कि हमें पावर प्ले का एक इतना अच्छा स्टार्ट देना है कि एक बेस सेट हो जाए हम दोनों की तरफ से कि हाँ टीम को फिर यूँ हो कि जिस बॉलर को वो चाहे उसको डलवा सके यूँ ना हो कि अगर हम खराब करें तो फिर कैप्टन पे भी थोड़ा बर्डन आता है कि एकदम से नया बॉलर को ही लाना पड़ता है केकेआर এর बोलिंग कोच भरत अरुण एक समय जातीय दलेर बोलिंग गुरु छिलेन जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शामिरा तार प्रशिक्षण प्रस्तुति सार्थे भरत अरुण सर हमेशा एक चीज बोलते हैं कि आप रिजल्ट पे मत जाओ बस फोकस करो कि आपको क्या मतलब करना है कि मतलब वो हमेशा ये बोलते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को बैक करो अगर आपकी स्ट्रेंथ जो है आप उस पर अगर फेल हो रहे हो तो उस पर आपको डाउट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है कई बार बैट्समैन अच्छा शॉट मारता है बट नेट्स में वो काफ़ी टाइम देते हैं हमें क्योंकि हम जब बॉलिंग करते हैं तो वो हमेशा हर बॉल पर सिखाते रहते हैं कि ये करना है इस टाइम पे ये करना है मैच शुरू होने से पहले एक दिन पहले वो हमारे साथ जरूर बैठते हैं कि अब इस मैच में ऐसा करना है तो वो हमेशा मतलब बैक करते हैं बहुत अच्छा कि आप रन्स के लिए भी जाओगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है बट आप अपनी स्ट्रेंथ को बैक करो वो हमेशा ये सिखाते हैं प्लेऑफ उठते होले बाकी तीन मैचेर तीन जीते जीतते हबे केकेआर के संभव ओवरऑल टीम तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि एज अ कोच हमारे चंदू सर जो है वो तो शुरू से ही पूरा कॉन्फिडेंट है उन्होंने हमें पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रखा है और जैसे जैसे अभी हमें तीन में से तीन जीतने तो चंदू सर कभी मोरल डाउन नहीं होने देते और हमारे कैप्टन नितिश भी अभी एक हमेशा एक पॉजिटिव वाइब रखते हैं कि हाँ हम जीतेंगे भाई तीन में से तीन जीतने हैं ऑब्वियसली बात हम जीत के रहेंगे क्योंकि और ये पहले भी केकेआर ने बहुत बार किया हुआ है तो हम इस बार भी जरूर करेंगे पंजाब किंग्स के विरुद्ध आगेर मैचे घरेर मैचे कमाल करेछेन केकेआर এর আরআরআর नितिश राणा आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह सेई परफॉर्मेंस की दलेर मनोबल बाढ़िएछे ऑफ कोर्स मतलब जब देखा जाए तो अगर हम रिंकू भैया की बात करें तो अगर वो डेथ में खेल रहे होते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भैया खड़े हैं वहाँ पे
वो कहीं से भी गेम को चेंज कर सकते हैं। तो जब तक गेम खत्म नहीं होता हमें तब तक यूँ नहीं लगता कि या हम लॉस्ट हो चुके हैं गेम में या फिर हमारे हाथ से गेम दूर जा चुका है, क्योंकि वो कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। और रसल का तो सबको पता ही है, उन्होंने वो कल दिखाई दिया है कि वो क्या चीज़ है। राणा भैया मतलब इस साल कैप्टन बने हैं, बट उनका शुरू से ही एक ऐसा एग्रेसिव अप्रोच रहता है, तो इस साल वो कैप्टन भी बने हैं, तो उनका हमेशा से रहता है कि अपने ऊपर लेके गेम को चलते हैं वो हमेशा से। तो वो तो इस साल बहुत उन्होंने दिखाया है कि परफॉर्म किया है, काफी अच्छी बैटिंग करी है। बृहस्पतिवार ईडेने सामलाते हबे राजस्थान रॉयल्स एर जस बटलर, यशस्वी जयसवाल एर मतो बैटरदेर की परिकल्पना। गेम प्लान सिंपल है, मेरे को ये बात हमेशा मैच की जब मैं पहली बॉल डालने जाता हूँ राणा भी हमेशा बोलते हैं कि तू ये मत देख तेरे सामने कौन खेल रहा है, और ना ये देख कि सिचुएशन क्या है, तुझे जो चीज़ आती है तू वो कर, बस उस चीज़ पे फोकस कर। तो मेरा हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी बैट्समैन हो जो मेरी स्ट्रेंथ है या फिर जो मुझे आता है करना मैं वो करने जाऊँ, उसमें अगर मेरे को सक्सेस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और मतलब मिलता है मेरे को सक्सेस मैं अगर अपनी चीज़ करने जाता हूँ तो। পরপর দু ম্যাচ জেতার পর টিম মালিক শাহরুখ খানের কাছ থেকে কোনো বার্তা পেলেন? বহুত मतलब मैंने जितना उनके बारे में सुना था लिटरली वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, मतलब इतने हम्बल, मतलब मैंने सोचा नहीं था वो इतने बड़े आदमी हैं। और जिस तरीके से उन्होंने हम सबको ग्रीट किया उस दिन, ग्राउंड में आए हमारे साथ मैच देखा, उसके बाद ड्रेसिंग रूम में टाइम स्पेंड किया, मतलब बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। एक ऐसी होप मिलती है, हाँ भाई इतना बड़ा आदमी अगर हमारे लिए चीयर करता है तो फिर हमें कुछ करके देना है। সন্দীপ সরকারের রিপোর্ট, এবিপি লাইভ।